नमस्कार माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ और मैं आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं चिंकी मिंकी। आप सबको पता होगा चिंकी मिंकी किसको कहता है। मेनलैंड इंडिया में जैसे कि दिल्ली बम्बई हो गया, बेंगलोर हो गया, बड़े बड़े सिटीज़ में स्पेशली जो हम लोग का लुक्स को वो लोग अंडरस्टिमेट करते हैं, गलत गलत भावना रखते हैं, तो उसका विषय में आज हम बात करेगा। और कुछ मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ है जो उसको हम शेयर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहना चैनल पे। तो सबसे पहले चिंकी मिंकी, ये एक बहुत ही एक ऐसे शब्द है जो हम सब के लिए बहुत नाराज़ करते हैं इन शब्दों से, कि हम लोग भारतीय, हम लोग इंडियंस होते हुए भी इस प्रकार का जो हम लोग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मेनलाइन इंडियंस में, इसको हम लोग झेलना पड़ता है। और एग्जैक्टली चिंकी मिंकी, नेपालीज, इन सब चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है मेनलाइन इंडियंस में। कोई भी अगर आप लोग ने दिल्ली बम्बई बेंगलोर कहीं भी आप लोग गया होगा, तो ये चीज़ को आप लोग ने कहीं ना कहीं तो आप लोग के साथ ये इंसिडेंट हुआ होगा या आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैं भी उसी तरह से आप सबको ये शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बींग एन इंडियन, हम लोग इंडियन है फिर भी इस प्रकार का जो मेनलैंड में हम लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, तो उसका विषय में आज बात करेगा। सबसे पहले मेरा साथ जो रिसेंटली ही जो घटना हुआ है, तो मुंबई पे, तो मैंने एक जगह पे मैं चाय पी रहा था, तो वहाँ पे एक वहाँ का कोई लोकल होता होगा, तो हमसे पूछा है कि आप नेपाली है क्या बोल के। तो हमने उसको जवाब दिया है कि आपको कैसे पता है हम नेपाली है बोल के, नेपाली का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नेपाली का जो लुक्स कैसे होता है, आपने कैसे हमको नेपाली बोल के आप मतलब बेवजह का बे मतलब का आप डायरेक्ट नेपाली हमको बोल दिया बोल के, हमने उसको पूछा है। तो फिर उसने हमको जवाब दिया है कि नहीं, देखने में आप नेपाली जैसे दिखता है, ऐसे कुछ जवाब दिया है। तो हमने बोला है आप नॉर्थ ईस्ट का बारे में जानता है, तो उसने बोला है जानता है। तो आप कभी अरुणाचल प्रदेश में गया है क्या बोल के हमने उसको पूछा है, वो आदमी को, हम दोनों का भी इसमें ऐसे इंटरेक्शन हो गया। तो उसने बोला हाँ गया है, मैं लोहित डिस्ट्रिक्ट में गया है बोल के एक उसने ऐसे जवाब दिया। तो हम तो एकदम क्या बोलेगा उसको, वो आदमी को तो मतलब एक थप्पड़ मारने का मन भी किया ना, लेकिन दूसरा जगह में क्या करेगा, उपाय नहीं है, झुक के बैठना पड़ेगा। आप लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आप विजिट किया है, वहाँ रह मतलब वहाँ बिजनेस करता है, वहाँ जाता आना जाना, फिर भी आप ये चीज़ को नेपाली बोल के हम लोग को पूछता है। तुम अरुणाचल प्रदेश आया है, नॉर्थ ईस्ट में तुम गया है, विजिट किया, तो तुमको जानना चाहिए वहाँ का लुक्स कैसा होता है, एक बार तुम पूछ लेना चाहिए जिस जगह पे आया उस जगह का नाम लेके, तुम लोहित का, आप लोग लोहित का है क्या, अरुणाचल प्रदेश का है क्या बोल के इतना तो पूछ सकते ना। तो इन चीज़ों से हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत गुस्सा भी आता है कि इसी प्रकार से जानबूझ कर जो हम लोग को जो नॉर्थ ईस्ट जो पीपल को इस प्रकार से जो बिहेव किया जाता है, ये सबसे खराब लगता है। जानते हुए जानबूझ कर इस प्रकार से वो लोग बिहेव करता है मेनलैंड इंडियन इंडिया में, तो ये सब चीज़ों से हम लोग बहुत सारा फेस करना पड़ता है, छोटा छोटा चीज़ को मतलब मेंटली हरेस होता है वहाँ पे, किसी को झगड़ा करके तो हमको कुछ सोल्यूशन तो होने वाला है नहीं, फायदा नहीं है। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भी कोनार में आप जाते हैं, तो सबसे पहले उस जगह का नाम को जानना है, उस वहाँ का जो लुक्स, वहाँ का जो कल्चर को सबसे पहले आपको जानना चाहिए। भले आप बिजनेस मोटिव के लिए आप विजिट करता होगा, बिजनेस पर्पज़ के लिए, कोई भी पर्पज़ के लिए आप विजिट करता होगा, लेकिन वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो लुक्स को सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सेकेंड इंसिडेंट मेरा साथ जो हुआ है वो भी मुंबई का ही है, जगह अलग अलग का है। तो वहाँ पे बता रहा था एक आदमी, मतलब खुद को थोड़ा पॉलिटिशियन टाइप में वो खुद को बड़ा चुरा के बात कर रहा था, तो हम लोग को बोला है हम लोग नॉर्थ ईस्ट का है बोल के ना, हम लोग को पूछ रहा था, तो हमने उसको जवाब दिया हम लोग इंडियन है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है। तो उसने बोला हाँ मैं किरण रिजिजू सर, जो कि अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू सर, तो मैं उसको जानता हूँ, फ़ोन में भी मैं बात करता हूँ। तो इस प्रकार से वो जवाब दिया है। तो
मैंने पूछा है अरे किरण सर को आप जानता है तो वो कौन सा स्टेट का है, तो उसका जवाब दिया है कि वो नागालैंड का है बोले। तो उसमें भी हमको इतना मतलब गुस्सा लगा है, प्लस थोड़ा शॉक भी लगा है। इवन किरण रिजिजू इतना एक यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर है, एक बहुत ही जाने माने वो मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर है, वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ को मत पता नहीं इन लोग को। तो इस प्रकार का जो हम लोग के साथ जो घटना होता है, अरुणाचल प्रदेश का बाहर मेनलैंड में क्या हम लोग का पहचान है, सवाल तो ये होता है। सबसे पहले हम बिंग अरुणाचली होते हुए अरुणाचल का लोग किस प्रकार से बाहर में पहचानता है, वो हम सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत कहीं ना कहीं कमी दिखाई देता है हमारा अरुणाचल में। मैं तो समझता हूँ गलत तरीका से भी अरुणाचल को फेमस होना चाहिए, अच्छा तरीका से भी अच्छा वे में भी जो अरुणाचल को नाम को रोशन होना चाहिए, गलत भी होना चाहिए ताकि लोग अरुणाचल प्रदेश को जाने बाहर में, जो मेनलैंड इंडियंस में अरुणाचल कहाँ है, अरुणाचल क्या चीज़ के लिए फेमस होता है, ये चीज़ होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। मुझे तो लगता है कि अरुणाचल प्रदेश एक करप्शन के लिए फेमस इस वक्त हो रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है। मतलब बुरा और अच्छा दोनों का वजह से कहीं ना कहीं मेनलैंड इंडियंस को मैसेज जाना चाहिए कि हाँ अरुणाचल जो है इस चीज़ के लिए फेमस है। तो सरकार भी कोशिश करना चाहिए कि कुछ कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को कुछ मेनलैंड इंडियंस के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होना है कि हाँ अरुणाचल के लोग ऐसे होता है, अरुणाचल इस चीज़ के लिए जो फेमस होता है, जैसे असम में हो गया, जैसे कि टी गार्डन के लिए बहुत फेमस है, दार्जिलिंग हो गया, वो सब तो मेनलैंड कलकत्ता में आता है, लेकिन कुछ कुछ नागालैंड लोग नागालैंड को जानता है लेकिन वहाँ का कल्चर वहाँ का पीपल क्या है वो चीज़ मालूम नहीं, लेकिन नागालैंड बोल के जानता है लोग। तो इसी प्रकार से भी अरुणाचल को होना चाहिए मेनलैंड में, अरुणाचल को जानना चाहिए मेनलैंड, दिल्ली बॉम्बे बेंगलोर कोई भी चेन्नई कहीं भी लोग हाँ अरुणाचल प्रदेश इस चीज़ के लिए फेमस है। तो इस चीज़ का ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, हम सबको जनता को भी काम करना चाहिए कि अरुणाचल को एक सही दिशा और एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज देना है कि हमारे पास इस चीज़ का कमी नहीं है, इस चीज़ के लिए हमको अरुणाचल का जो नाम रोशन होना चाहिए, इस प्रकार का जो हम लोग का तरफ से जनता का तरफ से सरकार का तरफ से प्रयास होना चाहिए हमेशा। बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स होगा मेरे हिसाब से कि जो लोग दिल्ली बॉम्बे में पढ़ने जाता है, डॉक्टर इंजीनियर कोई भी आम डिग्री प्राप्त करने जाता है, तो इस प्रकार का वो लोग फेस करना, चिंकी मिंकी नेपाली इस प्रकार का जो उन लोग के साथ जो बिहेव होता है डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कॉमन है। तो उसका जवाब क्या देना है आप लोग ही बताइए, चिंकी मिंकी का जवाब क्या है, हम लोगों पास कुछ नहीं होता, गुस्सा का सिवा कुछ नहीं, अलावा कुछ नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से अपना स्टेट को एक आइडेंटिफिकेशन देना है, ये चीज़ को जानना चाहिए हम सबको, प्रयास करना चाहिए अरुणाचल को एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज जाना है हाँ ये अरुणाचल का। इवन हमने आप लोगों को बताया थोड़ा देर पहले कि किरण रिजिजू सर को इवन वो नहीं जानता है लोग, उसको यूनियन लॉ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू बोल के जानता है लेकिन वो कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है ये चीज़ को मालूम नहीं है उन लोग को। तो ये बहुत दुख की बात है ना, हम लोग को जो अरुणाचल जो है बाहर में कोई नहीं पहचानता है, बहुत कम लोग सुनता है जानता है अरुणाचल प्रदेश को। तो हमें इस पर काम करना चाहिए ताकि आने वाला समय, आने वाला जनरेशन, जो आने वाला जनरेशन छोटे छोटे बच्चा लोग है वो इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन, इस प्रकार का जो तकलीफ फेस ना हो बाहर पे जब पढ़ने जाते हैं, जो कोई भी पर्पोज के लिए बाहर जाते हैं। बहुत सारा ऐसे घटना होता है, इंसिडेंट होता है हमारे साथ जो बाहर घूमता है, जो बाहर में जो बैठता है पढ़ता है, उन लोग के लिए तो इन सब चीज़ बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। गुस्सा के सिवा कुछ नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर पाते वहाँ पे, लेकिन इस प्रकार का जो घटना होता है, इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसका पूर्व एक्शन होना चाहिए। वहाँ झगड़ा करेगा हम लोग ही जेल जाएगा ना उन लोग के खिलाफ में, तो वो उन लोग का जगह पे हम लोग केस नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी नहीं पूछते आप कौन सा दिल्ली बम्बई का है, आप यूपी का है ना चेन्नई का है, यहाँ लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन हम लोग कभी पूछता ही नहीं है
बेवजह बे मतलब हम लोग किसी को ये सब चीज़ ढूंढता नहीं है, लेकिन मेनलाइन में ऐसे नहीं है। जैसे लोग देखेगा अननेसेसरीली पूछेगा कि चिंकी मिंकी आप नेपाली है, नेपाल से, नेपाली शब्द से हम लोग गुस्सा नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो नहीं पहचानता है ना, नॉर्थ ईस्ट को जो नहीं पहचानता है इसलिए हम लोग गुस्सा लगता है ना। नेपाली शब्द जो है बहुत अच्छा शब्द है, एक नेपाल को हम लोग, नेपाली को, गुरखास को हम लोग सैल्यूट करते हैं। उन्होंने भी हमारे देश के लिए जो कुर्बान किया है वो बहुत बड़ा बात है, लेकिन हम लोग को जो नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स होता है, इवन हम लोग इंडियन होते हुए भी हम लोग इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो चीज़ के लिए हम लोग गुस्सा है ना। नेपाली नेपाली बोलना ये हम लोग के लिए गलत फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हम लोग को जो नहीं पहचानता है नॉर्थ ईस्ट का है क्या, ये पूछने से भी हम लोग मानता है ना। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट का नाम बोल लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मतलब कोई भी आप नाम लेके बोलिए हम लोग को, आप वहाँ का है क्या बोल के, ये सब होता है नहीं। सिर्फ नेपाली चिंकी मिंकी या चाइना से आया है क्या, तो इन सब चीज़ों से हम लोग लड़ना पड़ता है बाहर में, सहना पड़ता है, मेंटली हरेस होता है, तो ऐसा नहीं होना है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इस प्रकार का जो भी वहाँ जो बाहर में फेस करता है, आप लोग कुछ नहीं होना है, वहाँ गुस्सा नहीं होना है, आप ठंडा दिमाग से उसको रिस्पॉन्स देना नहीं देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल नहीं देना, बिल्कुल झगड़ा नहीं होना है, बिल्कुल उन लोगों के सामने गुस्सा नहीं दिखाना है। अगर सकता है तो उन लोगों को बात पढ़ाना है कि अरुणाचल प्रदेश ऐसे ऐसे जगह, नॉर्थ ईस्ट ऐसे ऐसे होता है, इस प्रकार का जो बात पढ़ाना जरूरी होता है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।